हेलो एवरीवन, तो मैं आज फिर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आ गई हूँ और मैं हूँ कामल। तो मैं आप सब लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी बेस पे आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो जो आज की वीडियो है वो थोड़ी सी सिचुएशन अलग है और इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और फिर वीडियो वॉच कीजिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये पूरी वीडियो वॉच करें तो इट्स हेल्पफुल होगी आपके लिए। आज की वीडियो में आप सब लोगों के लिए ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए कि सिजेरियन बेबी उन लोगों को होता है जो लोग काम नहीं करते और नॉर्मल डिलीवरी उनकी होती है जो लोग बहुत सारा काम करते हैं। जो मदर्स बहुत काम करती हैं तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है और दूसरों की सजेरियन होती है। क्या आपको लगता है कि ये सच है? क्या आपको लगता है कि ये सच है या ये सच हो सकता है? जी नहीं, ये एक मैथ है जो कि बनाई गई है और ये एक मैथ सच नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजी होती है, सब लोगों की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती क्योंकि सब लोगों की सिचुएशन अलग होती है। सिजेरियन उन लोगों को, डॉक्टरों को उनका करना पड़ता है जो जिनके कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि ब्रीच बेबी हो, बेबी की पोजीशन चेंज हो जाती है, उसे ब्रीच बेबी बोला जाता है क्योंकि उसका जो टांगे हैं वो नीचे आ जाती हैं और जो उसका हेड है वो ऊपर चला जाता है, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी इट्स डेंजरस, तो इसीलिए उसका सिजेरियन किया जाता है। और कुछ लोगों का सिजेरियन किया जाता है क्योंकि उनकी नॉर्मल पोजीशन भी बेबी की नॉर्मल होती है लेकिन फिर भी उनका सिजेरियन होता है। उनका सिजेरियन इसीलिए होता है क्योंकि उनकी जो जॉइंट्स हैं इनसाइड, हमारी हड्डियां हैं, तो वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। 9 मंथ में वो अपनी पोजीशन चेंज करनी शुरू कर देती हैं ताकि वो नॉर्मल बेबी पैदा हो सके। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है, उनकी जो बोन्स है, उनकी हड्डियां हैं, वो खुलती नहीं हैं और इसीलिए उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। डॉक्टर वेट करते हैं, सभी टेस्ट करते हैं लेकिन फिर जब उनको लगता है कि ये ऐसा नहीं होगा तो फिर वो सिजेरियन करते हैं। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से सिजेरियन किया जाएगा। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी सब लोगों की हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपकी बॉडी ऑलरेडी आपको बेबी को नॉर्मल डिलीवर करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन ये सब लोगों के साथ नहीं होता। और दूसरी बात, इसमें काम करना या ना करना कोई भी फर्क नहीं डालता। आप घर का पूरा काम करो, बैठकर पोछे लगाओ, झाड़ू पोछा करो, पूरा घर का काम करो, लेकिन जो आपकी बॉडी है वो उसी हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से नहीं। कुछ लोग इतना काम करते हैं, पूरे दिन तक काम करते हैं, जिस दिन उनकी डिलीवरी होती है उस दिन तक काम करते हैं लेकिन फिर भी उनको सिजेरियन बेबी ही होता है। जैसे कि मैंने बोला कि उनकी जो बोन्स हैं वो नहीं खुल पाती और उनको डॉक्टरों के पास कोई चॉइस नहीं होती तो उनको बेबी को सिजेरियन सर्जरी करके ही उठाना पड़ता है। लेकिन वो लोग तो काम बहुत करते हैं फिर भी उनका बेबी नॉर्मल क्यों नहीं होता, उनकी बोन्स क्यों नहीं खुलती? क्योंकि उनकी नेचुरल बॉडी ही ऐसी बनाई गई है, उसकी नेचुरल जो बॉडी है, बॉडी शेप है, उनकी बोन्स हैं, सब वो नेचुरल ही ऐसी हैं। वो एक बच्चे को बर्थ दे, 3 को दे, लेकिन वो ऑलवेज सिजेरियन ही होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि ब्रीच बेबी हो गया, जैसे कि 8 मंथ में और 9 मंथ के क्लोज उनका बेबी मूव हो गया, उनके
सिजेरियन हो गया, लेकिन कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके जो आगे वाले बच्चे भी होंगे वो भी सिजेरियन होंगे। नहीं, उसके आगे वाले बच्चे नॉर्मल भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बॉडी ऑलरेडी बेबी को डिलीवर करने के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बेबी की पोजीशन घूम जाने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब बेबी ऐसे घूम जाता है, उल्टा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, इसीलिए उनको सर्जरी करके बेबी को निकालना पड़ता है। क्योंकि बेबी का जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका हेड जो है वो पहले बाहर आता है, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी आती है, लेकिन जिसके पैर नीचे हैं उसको पैरों से पकड़ के निकालेंगे, इट्स रियली रिस्की, क्योंकि आप पाँव से पकड़ के बेबी को बाहर नहीं निकाल सकते। यदि आप उसे निकालेंगे तो उसका जो हेड है वो अंदर स्टक हो जाएगा और बेबी की हड्डियां टूट जाएंगी, उसका गला भी चोक हो जाएगा, क्योंकि बेबी इतना सॉफ्ट होता है एक रुई की तरह, और उसे नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश में वो लोग मार नहीं सकते, क्योंकि बेबी की हड्डियां इतनी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो टूट जाएंगे और बेबी चोक भी हो जाएगा। और दूसरी जो हम लोग बोलते हैं कि जो उसकी कोड होती है, उसे हिंदी में नाड़ुआ भी बोला जाता है, वो भी डेंजरस पोजीशन हो जाती है, क्योंकि जब बेबी के पैर बाहर आएंगे उसके बाद उसका हेड आएगा, तो वो जो उसकी नाभि, क्योंकि उसकी नाभि ऑलरेडी बाहर आ चुकी है लेकिन उसका हेड अंदर रह गया है, तो वो जो कोड है वो बच्चे के गले में भी जा सकती है, वो बच्चे को अंदर ही मार सकती है। इसीलिए डॉक्टर कोई भी ये चीज़ का रिस्क नहीं लेता कि वो वेट करेंगे और बेबी को डिलीवर नॉर्मल करेंगे, कोई भी डॉक्टर इस चीज़ का रिस्क कभी नहीं लेगा। इसीलिए वो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपका फाइंड आउट होता है कि बेबी की पोजीशन रॉन्ग हो गई है, तो वो आपको बोल देते हैं कि भी 9 मंथ की स्टार्टिंग में ही हम एक और अल्ट्रासाउंड करेंगे। यदि बेबी की पोजीशन चेंज हो गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि बेबी की पोजीशन नहीं चेंज हुई तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे और आपकी पेन का भी वेट नहीं करेंगे, वो आपकी डिलीवरी की डेट का भी वेट नहीं करेंगे, वो आपको अर्ली ही बेबी डिलीवर कर देंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि बेबी को दिक्कत आ जाएगी, जब बेबी नॉर्मल डिलीवर होता है तो जब उसका सर बाहर आता है उसके बाद उसकी पूरी बॉडी आती है, तो उसके हेड को पकड़ के निकाल लिया जाता है और उसकी दूसरी बॉडी स्मूथली बाहर आ जाती है, क्योंकि हेड ही है जो सबसे बॉडी का बड़ा पार्ट है, और वो जब बाहर आता है तो उसका जो वो कोड है वो पीछे रह जाता है, उसके बाद कोड भी बाहर आ जाती है और वो बाहर निकल जाता है सभी। और इसीलिए जब वो पाँव से पकड़ के निकालेंगे जैसे कि मैंने बताया, तो वो कोड भी निकलेगी और वो बेबी के गले में चली जाएगी, बेबी को मार सकती है अंदर और चोक कर सकती है, उसकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। इट्स रियली डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस पोजीशन है ये, इसीलिए वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें आप जितना भी काम करोगे बेबी फिर भी पोजीशन नहीं चेंज करता। इसमें सिर्फ 10% लोग होते हैं, 100 में से 10% लोग होते हैं जिनका बेबी 9 मंथ में पोजीशन चेंज कर लेता है, लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जिनका बेबी पोजीशन नहीं चेंज करता और उनको सर्जरी के थ्रू ही बेबी को पैदा करना पड़ता है। इसमें बॉडी वर्क करने का या ना करने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता,
और मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बच्चे की जान से ज़्यादा और चीज़ें प्यारी होंगी, क्योंकि आपकी सर्जेरियन हो, जब सर्जरी होगी, सर्जरी मैं मानती हूँ इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन वो दो मंथ में, एक मंथ में आपके 6 वीक में वो जो स्टिचेस लगे हैं वो भर जाएंगे, आप 6 मंथ में पूरा बॉडी हील कर लेगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो इसी तरीके से बनी होती है कि वो पूरी हील हो जाती है, उसके स्टिचेस भी हील हो जाते हैं, आप उस जैसे कि हमें कोई चोट लगती है, कट लग जाता है, वो भी हील हो जाता है, कोई हड्डी टूटती है वो भी हील हो जाती है, दोबारा से फिर जुड़ जाती है। थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम के थ्रू जाना पड़ता है और बॉडी को भी अफेक्ट होता है, लेकिन आपके बच्चे की जान से ऊपर नहीं है। तो सर्जरी से आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। जब आपको सिचुएशन बताई जाए कि ऐसी पोजीशन में आपका बेबी है, तो आप झट से ये डिसीजन लीजिए कि भई हमारी सर्जेरियन ही हो जाए, क्योंकि आप कोई भी रिस्क ना लें, आपके बच्चे की जान का खतरा हो सकता है, आपका बेबी आपसे छूट सकता है, जिसका हम लोगों ने 9 मंथ इंतज़ार किया होता है, अपनी स्टमक में रखकर उसे पाला होता है और अपने खून पसीने से उसको सींचा होता है, और वो चीज़ आपके हाथ में ना आए, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, और जो डॉक्टर हैं वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपके उठाकर सर्जरी कर देंगे। इन्हीं रीजनों के वजह से उसको आप उन लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों की बोन्स नहीं खुलती, उन लोगों के लिए भी उनके बेबी की पोजीशन तो सही है, लेकिन उसका बच्चे का हेड बाहर नहीं आएगा क्योंकि पूरा ओपनिंग नहीं हुआ है, और आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते। इसीलिए डॉक्टर भी डिसीजन लेते हैं कि भई हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम इसे और पेन में नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको वो यही बोलते हैं कि इसे और पेन में नहीं रखेंगे, हम इसकी सर्जेरियन करने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको पहले ही इतना डराना नहीं चाहते कि भई आपकी यूट्रेक्स खुल नहीं रही है और हम लोगों को सर्जेरियन करना पड़ेगा क्योंकि आपका बेबी अंदर मर सकता है। No. वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी पेन में हैं, तो वो झट से ये डिसीजन लेते हैं और वो सर्जेरियन कर देते हैं। वो आपकी हेल्प करते हैं, आपके बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करते। तो आप थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने डॉक्टर जिसके हाथों में आप सब कुछ सौंप देते हो, वो आपको कैसे मारेगा? क्योंकि जब आप सर्जरी के लिए जाते हो, जब बेबी डिलीवरी के लिए जाते हो, तो आप पूरा अपना आप उनको सौंप देते हो, क्योंकि जब आपके अंदर भी बेबी होता है, जब आप प्रेग्नेंट ही होते हो, तब से आप उन्हें सब कुछ सौंप देते हो, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको और आपके बच्चे को कैसे बचाया जाए, और इसीलिए वो ऑलवेज ये सब चीज़ों को सोचकर ही आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये होगा या ये नहीं होगा, उनको एंड में ही पता चल जाता है कि बेबी की पोजीशन जो है वो नहीं चेंज होगी, लेकिन फिर भी वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप ऐसा हो सकती है, क्योंकि वो आपको स्केयर्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि डॉक्टर को सब कुछ पहले से पता होता है। प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखिए, अपने बच्चे को सेव कीजिए, और जब आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी सर्जरी होगी, तो झट से हाँ कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई स्केरी पार्ट नहीं है। जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाओगे तो आपको नीडल लगा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ नहीं पता चलता कि क्या हुआ क्या नहीं, आपको कोई फीलिंग भी नहीं होती, लेकिन एक फीलिंग होती है माँ की फीलिंग,
क्योंकि आपका बच्चा आपके हाथों में आ जाता है। तो आप ये चीजें मिस मत कीजिए सिर्फ एक मिथ की खातर कि किसी ने कहा है बेबी नॉर्मल होना चाहिए तो आपको नॉर्मल ही होगा। आप एक चीज को पकड़ के मत बैठिए, आप अपने बच्चे की जान बचाइए। डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट गो फॉर इट। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि मिली है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपकी फ्रेंड या कोई भी आपका रिलेटिव बेबी डिलीवरी करने के लिए रेडी है तो आप उसको ये वीडियो भेजकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, और मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपका और सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं नई वीडियो में उसका जवाब दूँ। लव यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी, एन्जॉय योर लाइफ विद बेबी। बाय बाय।